जिंदगी में बड़ा अच्छा मिला, जिंदगी सीधा रहता कितना अच्छा रहता। अरे जिंदगी जिस दिन सीधा खोज लिए समझिए, मर तो उसी दिन गए जिस दिन आप जिंदगी सीधा खोजते हैं। सीधा जिंदगी का मतलब समझ गए, खत्म। सीधी लाइफ कभी नहीं होनी चाहिए। आपका हार्ट का जो हार्ट बिल है, धड़कता धड़कन, वो भी सीधा नहीं, जिस दिन सीधा हो जाता खत्म हो जाता आदमी, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा। तो आदमी का लाइफ है, इसमें उतार और चढ़ाव दोनों रहते हैं, लेकिन गरीब आदमी इसी उतार और चढ़ाव से डरता है, इसीलिए वो नौकरी के फील्ड में जाना चाहता है कि हमें हर एक फील्ड में नौकरी चाहिए। अपना पैसा का दुकान नहीं लगाए, पैसे के दुकान में काम करे, पैसे के दुकान में काम करे, पैसा का दुकान मत लगाओ। गरीब आदमी सोता है, लेकिन अमीर आदमी क्या करता है, पैसे का दुकान लगाओ, पैसा का दुकान लगाओ, पैसे की दुकान में काम मत करो। कैसे लगाता है जो समझिए, एक आपको नॉर्मल माँ का साम, आज हम आपको पैसे की दुकान लगाना सिखा देंगे। पैसे की दुकान कैसे लगाया जाता है, गरीब आदमी क्या होता है कि गरीब गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे है लेकिन सही जगह उसको लगाने नहीं आ रहा है। पैसे की दुकान कैसे लगाया जाए, पैसे की जिस दिन दुकान लगाने आपको आ गया, उस दिन समझिए आप गरीब नहीं अमीर रहेंगे। अमीर और गरीब में अंतर क्या होता है कि अमीर के पास पैसे की दुकान है लेकिन गरीब के पास पैसे की दुकान नहीं है। तो गरीब व्यक्ति पैसे की दुकान कैसे लगाए, माँ का सम अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पैसे की दुकान लगाना आज सीख जाएंगे कि आप पैसे की दुकान कैसे लगाएं। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, पहले जान लीजिए कि पैसे की दुकान गरीब आदमी के पास है नहीं। क्यों नहीं है, क्या रीजन है कि गरीब के पास पैसे की दुकान है ही नहीं, जबकि अमीर के पास पैसे की दुकान है, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है, क्या रीजन है कि मेरे पास है ही नहीं। देखिए अमीर और गरीब के बीच का एक फासला जो है, सबसे पहले अमीर आदमी क्या करता है, पहले कमाता है, पहले कमा लिया। अब कमाता कैसे, तो कमाए या तो नौकरी करेगा, नहीं तो खेती करेगा, या तो पारिवारिक जिंदगी में ऐसी कर कारखाना में काम किया। तो पहले कमाया और कमाने के बाद क्या करता है कि टैक्स चुकाता है। अब टैक्स कैसे नहीं चुकाएगा, आप कारखाना में काम कर रहा है वो पूरा टैक्स का माने काट के देगा, नौकरी कर रहा है टैक्स काट के देगा। तो पहले कमाया फिर टैक्स किया उसके बाद खर्च किया, टैक्स चुकाने के बाद टैक्स पहले ही दे दो तब आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अमीर में क्या होता है, पहले कमाते हैं, पहले कमाया और दो में खर्च किया, पहले कमाया दो में खर्च किया और खर्च करने के बाद तीन में टैक्स चुकाया, तीन में टैक्स चुकाता है, जिसके कारण पैसे का आविष्कार करता है, जिसके कारण तीन कारण है जिसके कारण पैसे का आविष्कार करता है। लेकिन यही तीन कारण है जिसके कारण पैसे के लिए काम करता है। गरीब आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, गरीब आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन अमीर आदमी पैसे का आविष्कार कर रहा है। क्यों कर रहा है पैसे का आविष्कार, कैसे कर रहा है पैसे का आविष्कार, क्या रीजन है, क्या सीक्रेट है कि पैसा का आविष्कार हो रहा है उसके पास, और क्या सीक्रेट मेरे पास नहीं है कि मेरे पास पैसे का आविष्कार नहीं हो रहा है। तो हम पैसे का आविष्कार करना सिखाएंगे। पहले जान लीजिए पैसे के रीजन क्या है। पहला रीजन, गरीब आदमी के पास डर है, उसको डर सताया रहता है कि हमें पैसे के लिए हर हाल में जीना है, हर हाल में पैसे के लिए नौकरी करना है। कोई भी काम करता तो पैसे के लिए उसको डर है कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा पेट कैसे भरेगा, हम बाल बच्चों का परिवार कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे क्या, लिखाएंगे क्या, अपना स्वास्थ्य कैसे, रोजगार कैसे, बूढ़ा में कैसे जिएंगे, सब कुछ का उसको डर सताए हुए, सबसे पहला डर है। लेकिन अमीर आदमी डर अमीर के नहीं होता है, अमीर डर मुक्त होता है। ये गरीब आदमी सनकी नहीं होता, लेकिन अमीर आदमी सनकी होता है, यही अंतर है। गरीब आदमी क्या होता है कि सनकी नहीं है, अमीर आदमी सनकी है, सनकी है, जिद्दी है, वो जीत पे अड़ जाता है। गरीब आदमी क्या कहा जाता है, आपका बेटा जिद्दी है, बर्बाद है, खत्म है। और अमीर आदमी में जिसका बेटा जितना जिद्दी रहता है उसको उतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि जिद सफलता का दूसरा नाम है। जिसके पास जितना बड़ा जिद है वही उतना बड़ा सक्सेस है, और जिसके पास जिद नहीं है कुछ नहीं करेगा। गरीब घर में कोई जिद्दी होता है ना तो उसको कहता है खत्म बेटा, खत्म नहीं है, वही कुछ करने लायक है, वही कुछ करेगा आगे, और जिसमें जिद ही नहीं वो कुछ नहीं करेगा। तो गरीब में जिद नहीं है, अमीर के पास जिद है। एक और रीजन, गरीब आदमी के पास बुरी लते हैं। गरीब आदमी के पास बुरी लते क्या है कि साल भर पे एक नया पर्व आया, आज मुर्गा काट, साल भर पे एक नया चीज आया, खस्सी खा, होली मना, रंग लगा, अबीर उड़ा, उसमें बुरी आदत है। आज दोस्त के साथ घूम ले, कल गर्लफ्रेंड के साथ घूम ले, कल दुगलुंडिया के साथ कर ले, आज साल भर पे नाच है अपने गांव में, एक बार ठुमका लगा ले, नाच ले, तो ये सब बुरी लत है। लेकिन अमीर के बीच में ये सब बुरी लत एक भी नहीं है, ठुमका उसको नहीं लगाना, साल भर उसके लिए पार्टी एक नया दिन रहता है। लेकिन गरीब के लिए साल भर पे एक जनवरी को नया दिन आता है, साल भर पे फगुआ आता है तो साल भर पे खांसी काटता है, लेकिन उसके लिए साल भर पे नहीं, उसके लिए रोजाना भी खांसी काट सकता है। तो रीजन क्या आता है कि इसके पास डर है पैसे का, रोज कर नहीं सकता है फटना, क्योंकि पैसा के लिए काम करता है। और अमीर क्या है, पैसा का आविष्कार करता है, पैसा का आविष्कार करता है, पैसा। तो पैसा का दुकान लगाइए, पैसा का दुकान कैसे लगाइएगा फिर से बता देते हैं। अमीर के पास ऐसा, अमीर चाहता है कि मेरा जिंदगी पूरा सीधा हो, खोजता ना कि अमीर क्या सोचते हैं, आप भी क्या सोचते होंगे कि मेरा जो भी जिंदगी है सीधा चलना चाहिए, जिंदगी में बड़ा अच्छा मिला, जिंदगी सीधा रहता कितना अच्छा रहता। अरे जिंदगी जिस दिन सीधा खोज लिए समझिए, मर तो उसी दिन गए जिस दिन आप जिंदगी सीधा खोजते हैं। सीधा जिंदगी का मतलब समझ गए, खत्म।
सीधी लाइफ कभी नहीं होनी चाहिए। आपका हार्ट का जो हार्ट बीट है धड़कता धड़कन वो भी सीधा नहीं, जिस दिन सीधा हो जाता है खत्म हो जाता है आदमी, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा। तो आदमी का लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव दोनों होना चाहिए, लेकिन गरीब आदमी इसी उतार और चढ़ाव से डरता है, इसीलिए वो नौकरी के फील्ड में जाना चाहता है कि हमें हर एक फील्ड में नौकरी चाहिए। अपना पैसा का दुकान नहीं लगाए, पैसे के दुकान में काम करे, पैसे की दुकान में काम करे, पैसा का दुकान मत लगाओ। गरीब आदमी सोता है, लेकिन अमीर आदमी क्या करता है, पैसे का दुकान लगाओ, पैसा का दुकान लगाओ, पैसे की दुकान में काम मत करो। कैसे लगाता है जो समझिए, एक आपको नॉर्मल सा बिजनेस आइडिया है, पहले कि पैसे का दुकान कैसे लगाएं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक टीचर है, तो हम पैसे का दुकान आप कैसे लगाएंगे। अब हमको इस दिन से आइडिया कहा आया, आज पहले का ही नहीं बताए, कहा कि पहले मेरे पास है, कहा कि पहले मेरे पास ये वाला बुक नहीं था, मेरे पास ये वाला बुक है, तो इसे मैंने सीखा है, जाना है। ये बुक आप तो जानते होंगे कितना क्रांतिकारी बुक है, कितना आदमी को रोजगार खड़ा किया, कितना बिजनेसमैन इसी बुक को पढ़कर अपना कंपनी खड़ा किया। तो मैं भी करूंगा, मैं भी सीखा हूं। तो पहले देख लीजिए नॉर्मल सी चीज, मैं एक स्कूल चलाता हूं, ठीक है, तो मैं स्कूल चलाता हूं, तो मान लीजिए मैं 5 टीचर रखता हूं, 5,000 रुपया महीना देके, तो 5,000 का दूंगा उसको, आप 5 से गुना कर लीजिए, टोटल 25,000 रुपया दूंगा, और 10,000 रुपया दूंगा रेंट पे, 5,000 रुपया मेंटेनेंस खर्च, 5,000 रुपया मैं मेंटेनेंस खर्च करता हूँ, और एक स्कूल खोल देता हूँ। स्कूल यहाँ पे खोल दिए, क्या खोल दिए, स्कूल, और स्कूल में 200 बच्चे हैं, और एक बच्चा से पकड़ो तो 500 रुपया लिया जाता है, एक बच्चा से कितना ले रहे हैं 500 रुपया, तो टोटल रुपया आ रहा है 1,00,000 रुपया, कितना आ रहा है 1,00,000 रुपया, और 1,00,000 में से अगर कुल खर्च का आ जाए तो 40,000 रुपया कुल खर्च है, 40,000 कुल कितना है, 40,000 कुल खर्च, 40,000 कुल खर्च, और 1,00,000 रुपया आ रहा है, जिसमें से 40,000 रुपया मैं इसी को दे दिया, टीचर को, रेंट, मेंटेनेंस सब कुछ दिया, और उसमें से मेरा बच जाता है कितना 60,000 रुपया बच जाता है। मैंने 60,000 के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। इसी तरीके से मैं 2 स्कूल खोलवा देता हूँ, एक जगह और जाता हूँ जहाँ मैं स्कूल खोलने के लिए जगह लेता हूँ, रेंट देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, 5 रखता हूँ, 200 बच्चे होते हैं, और 200 बच्चे से मैं 500 रुपया पर आदमी पकड़ूँ, तो 1,00,000 रुपया वहाँ पे कमाई होती है, जिसमें 40,000 रुपया खर्च करते हैं, तो 40 खर्च करिए, फिर मेरा 60 बच गया, तो 60 × 60 यानी 60 × में तू कर दिए 1,20,000 रुपया, टोटल कितना गया 1,20,000। अब 1,20,000 में मैंने क्या क्या, कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या क्या, मेरा सिर्फ आइडियाज था कि इस तरीका से मैंने एक प्लान को फैलाना है, इस तरीका से अपने कदम को बढ़ाना है, अगर कदम बढ़ाते गए तो 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, मेरा इसमें क्या योगदान है। काम कौन करेगा, काम करेगा मास्टर, वही होता गरीब आदमी, काम कौन करता है, एक नौकरी समझिए, नौकरी क्या है, नौकरी कहाँ, जहाँ आप करते होंगे नौकरी, तो मतलब आप कहीं ना कहीं कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, और वही आदमी आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तब ना आपको 10,000 रुपया दे रहा है। जैसे मैं एक टीचर रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो मैं 3,000 रुपया पे एक मैं टीचर रख लिया, ठीक है, तो 3,000 रुपया टीचर रखता हूँ, 40 बच्चों को पढ़ाता है, ये मान लीजिए 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, 20 × में करिए 500, तो गुना करिए 100, ठीक है ना, इस पे 100 हो गया, उस पे डबल बैठा लीजिए, टोटल 10,000 रुपया एक टीचर कमा के दिया हमको, कितना दिया 10,000 रुपया, और हम उसको कितना दिए 3,000, कितना दे रहे हैं 3,000, तो 7,000 रुपया कौन कमाया, उसके शरीर द्वारा मैंने 7,000 रुपया कमाया उसके शरीर द्वारा, तो काम कौन किया, मेरा टीचर, पैसा किसको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया, मैंने अपना जाल फेंका, और यही गरीब आदमी के पास जाल नहीं, वो जिंदगी सीधा तो जीना चाह रहा है ना, तो जिस दिन आप जिंदगी सीधा जी रहे हैं तो फिर पैसे कहाँ आएंगे, पैसे की दुकान कहाँ से लगेंगे, पैसे की दुकान वही लगा सकते हैं जिसके पास अच्छा टेक्निक हो, अच्छा दिमाग होना चाहिए, दिमाग इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी स्कूल बताया, फिर दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप स्कूल नहीं खोलना चाहेंगे, मान लीजिए आप उतना शिक्षित नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप स्कूल नहीं चलाना चाहते हैं, दुकान चलाना चाहते हैं, दुकान तो चला सकते हैं, दुकान लगाइए, 10,000 रुपया लीजिए और 10,000 में एक दुकान लगाइए, 10,000 में एक दुकान लगाइए, और 10,000 के दुकान में आप एक मजदूर रखिए, 2,000 रुपया देके 2,000 रुपया दीजिए और उसको मजदूर को रखिए, और जो 10,000 का दुकान से आपको कुल कमाई अगर फायदा होगा तो मान लीजिए कि 3,000 का फायदा होता है, छोटा सा फायदा बता रहे हैं, बड़ा नहीं, क्या सपना देख लीजिए कि मैंने 1,00,000 का फायदा बताया, नहीं 3,000 का फायदा बताया, 3,000 रुपया आपके पास फायदा आ रहा है, और जो रखे उसको कितना दीजिएगा 2,000 रुपया, कितना दीजिएगा 2,000 रुपया, 1,000 रुपया आपको बचेगा, तब कहेगा 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया, यही 10,000 रुपया आपको 10 महीना में 10,000 रुपया देगी, और फिर से एक आप नया दुकान लगाइएगा, और फिर से एक नया दुकान आएगा, और फिर उसमें 1,000 रुपया बचेगी, फिर एक नया दुकान लगेगा, फिर आपके पास 1,000 रुपया आएगी। तो मैंने पैसे एक जगह लगाए और इन्वेस्ट ज्यादा किए। अब इसमें क्या होता है, आप कैसे कोलगेट लेते हैं, टूथब्रश लेते हैं, पैसे लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आपके पास पैसा रिटर्न चला आता है, लेकिन गरीब आदमी के पास क्या होता है, पैसा रिटर्न नहीं आता, पैसा बल्कि चला जाता है। देखिए गरीब का हम एक पाड़े हैं घर, गरीब का घर क्या होता है, गरीब के पास संपत्ति होता है, संपत्ति से वो पैसे कमाता है, जितना भी हो पैसे कमाए, अब ज्यादा है तो ज्यादा कमाएगा, कम है तो कम कमाएगा। जिसके पास 10 बीघा खेत है, पट्टा लगा रहा है, उसमें खेती कर रहा है, 10 बीघा में 10 मन धान उगा रहा है, 50 मन 100 मन उगा रहा है,
हो सके 100 मन उगा ले, 200 मन उगा ले, जितना भी उगा ले, संपत्ति के आधार पे वो पैसा कमाएगा। जितना संपत्ति होगा उसी के हिसाब से पैसे कमाएंगे। अब पैसे कमाएंगे, जितने पैसे होंगे उसी पैसे में से खर्च करेंगे। अब खर्च करेंगे तो ये सारे पैसे इसके बाहर आ जाते हैं, एक्सटर्नल हो जाते हैं, आउट ऑफ बाहर, बाहर चला गया। अब इसके पास पैसा रिटर्न नहीं आ सकता है, घूमेगा नहीं पैसा, ताकि इसका पैसा एक जगह से निकल के दूसरे जगह से रिलीज कर गया, फेंक दिया, पैसा है ही नहीं इसके पास। लेकिन अमीर आदमी के पास क्या, इसके पास एक लंबा जाल है। क्या सा समझ जाइए, देखिए अमीर के पास क्या है, पहले पास उसके पास संपत्ति है, संपत्ति होती है, संपत्ति से कुछ पैसे कमाता है, पैसे कमाता है, संपत्ति से पैसे कमा लिया, ठीक है ना, जितना भी पैसा कमाया, फिर उसको खर्च किया, फिर पैसे खर्च किया, खर्च कहाँ किया, खर्च घर में नहीं किया, खर्च अपने ऊपर नहीं किया, खर्च करता है एक नया चीज में, नया पैसा बनाने में। कहा कि अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करते, अमीर आदमी पैसा बनाता है। पहले बताए थे कि अमीर आदमी पैसे का आविष्कार करता, पैसे बनाता है। तो ये क्या किया, पैसा कमाया, कमाने के बाद ये खर्च किया, खर्च कहाँ किया, फिर से पैसा कमाने के लिए, फिर से पैसा कमाया, फिर इसके पास पैसा आए, फिर से इसके पास पैसे आए, और यही वाला पैसा फिर व्यय के रूप में और टैक्स के रूप में चुकाता है, फिर से ये टैक्स के रूप में चुकाता है, फिर जो टैक्स के रूप में जो बचत आता है फिर संपत्ति में आती है, फिर संपत्ति में लागत लगाता है, और इसका एक सर्कल चलता है, लेकिन इसका कोई सर्कल नहीं चल पाता है। तो इसके पास पैसे आते तो हैं, लेकिन पैसा चला जाता है, पैसा आ रहा है जा रहा है, लेकिन अमीर आदमी के पास नहीं होता। हम लोग बार बार सोचते हैं ना, हम भी बड़ी बार परेशान रहते थे कि अमीर आदमी पैसा कमाता कैसे। जितना भी अमीर आदमी देखते हैं रोज कहीं घूम रहा है, कोई हवाई जहाज पे, कोई यहाँ, कोई लंदन, कोई फोटो, कोई डांस, कोई कलाब नाच रहा है, फिर उसके पास पैसे कहाँ से। हम तो रोज कमाते हैं, हम रोज पढ़ावे आ रहे हैं, रोज गाड़ी से आ रहे हैं, फिर मेरे पास पैसे कहाँ नहीं, मैं रोज खटता हूँ फिर भी मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन उसके पास पैसे क्या। तो पैसा समझ रहे, उसके पास पैसे कहाँ है, पैसा का दुकान है इसके पास, पैसा का दुकान है। सभी मैंने बिजनेस का आइडिया बताया कि मैं इसमें हमको पढ़ाना नहीं है, 5 टीचर खटाना है, 5 टीचर का खटेगा, पैसे कमाएगा, उसको मैं पैसा बांटूंगा भी, पैसा दूंगा भी, और उसी के पैसे से मैं 60,000 रुपया कमाऊंगा। मान लीजिए 2 जगह स्कूल खोलता हूँ तो 1,20,000 कमाता हूँ, 3 जगह खोलता हूँ तो 1,80,000 रुपया कमाऊंगा, और 1,80,000 रुपया मैं कहीं अदर जगह नहीं कमा सकता हूँ। तो दुकान खोलिए, पैसे का दुकान, काम मत करिए, पैसे की दुकान में काम मत करिए, पैसे के दुकान खोलिए। काम करना है यहाँ दुकान खोलने का, दुकान में नहीं। आदमी दुकान खोल ले रहा है, दुकान में काम भी कर रहा है, लेकिन वही आदमी दुकान खोल रहा है जिसके पास नॉलेज है। जैसे आप किसी के यहाँ काम करते हैं, काम करते मतलब किसी के अधीन है, व्यापार में यही तो कहा जाता है कि व्यापार में अपना करिए, व्यापार में अपना अपन सबको दिखाता है, लेकिन अपना कौन है, सिर्फ वक्त बताता है। तो व्यापार सबके पास की बातें नहीं, यही तो समझ में नहीं, टेक्निक ही नहीं। तो दुकान कैसे खोले, अपना दुकान पर्सनली कैसे खोले, दुकान दूसरा में खट रहा है तो दूसरा में कहीं नहीं खटना है। यही 5 गोलात अगर आप हटाते तो दुकान खोल पाइएगा, अगर ये 5 गोलात नहीं हटाएंगे दुकान जिंदगी में नहीं खोल पाइएगा। रीजनल क्या है कि गरीब आदमी डरा रहता है कि अगर ये काम करते हैं तो इसमें हानि होगी, हानि। देखिए जब आप कोई काम करेंगे तो रिक्स तो होगी ही, बिना रिक्स से कुछ भी नहीं होता है। देख लीजिए रिक्स जब तक आप अपने जिंदगी में नहीं उठाइएगा सक्सेस की ओर कभी मत बढ़िएगा, रिक्स लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। गरीब है जिंदगी भर रिक्स लेते रहे, अभी मान लीजिए धक्का लग गया, 5 लाख रुपया की जरूरत है, कहाँ से आप लाइएगा, आप 5 को परिवार में मोहताज रहेगा तो उसमें रिक्स नहीं है कि मान लीजिए क्या होगा। लेकिन यही रिक्स के वजह से आप अपने आप को दाबे रहते हैं तो आपको डर सताए है, आप सनकीपन नहीं है, सनकीपन मैंने आपके पास जीत नहीं है लंबा कि हम कुछ पाए कुछ करें। पैसे की दुकान में अपना आप पे ऊपर डिपेंड है नहीं, आपको भरोसा नहीं कि हम अगर कंपनी खोलते हैं, अगर हम काम करते हैं तो मेरा कंपनी में कोई काम ही नहीं करेगा। जैसा कि आपको लग रहा होगा अगर हम भी एक बार स्कूल खोले क्या हमसे लेकर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप लेकर को खोलिए, आप पढ़ाइए, बेहतर पढ़ाइए, सबको इससे हटके पढ़ाइए, आपके यहाँ भी पढ़ेगा। आप एक दुकान खोलिए, आपसे बेहतर व्यवहार बनाइए, आपका व्यवहार चलेगा, व्यापार चलेगा। व्यापार तभी चलता जब आपके पास व्यवहार हो, टीचिंग लाइन तभी चलता जब आपको पढ़ाने आए बोलने आए। उसी तरीका से जो व्यापार होता है तो व्यवहार से चलता है, व्यवहार बना लीजिए, व्यवहार बना लीजिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाएगा। तो ये पैसे की दुकान होंगे, पैसे का दुकान होंगे, पैसे में काम नहीं करना होगा। जिंदगी यहाँ तक आदमी का है, गरीब आदमी का इतना सिमटा हुआ है कि कुछ नया सोचता नहीं, अधीन हो जाता है, कुछ नया नहीं सोचता, का है डर के वजह से। हम तो यही कहेंगे डर को छोड़ दीजिए, डर को छोड़िए, पैसा के लिए काम मत करिए, पैसे बनाने की कंपनी के लिए खोलिए। कंपनी क्या खोलना है, कंपनी कुछ ऐसा करिए जिसमें आप 4 आदमी को खटाए, आप खुद मत खटिए, खुद कितना भी खट लीजिए, पूरा शरीर को पूरा जला दीजिए बोलते बोलते, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन आप दूसरा से जलवाइए, दूसरा से करवाइए और आपको पैसा आएगा। तो दूसरे से कब करवाएंगे, जब आपके पास नॉलेज होगी तब, नॉलेज होगी तब। अभी नॉलेज नहीं रहेगा खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे। ये आइडिया जो अभी हमने सीखा कि एक टीचर वाला का स्कूल खोलते हैं, 5 टीचर लाते हैं, 40,000 रुपया फेंकते हैं, 1,00,000 रुपया आता है, 500 रुपया एक बच्चा पे लेते हैं, 200 बच्चा आता है, 1,00,000 रुपया टोटल आ जाता है,
है कि नहीं, और उसमें 40,000 फेंक दिए, फिर भी 40-60,000 रुपये मेरे पास बचा। नहीं, कहाँ बचा, सिर्फ आइडिया बचा रहा। कौन बचा रहा? आइडिया। अब हम नाचे गाए घूमे टहले, कोई फर्क है? नहीं फर्क है। तो ऐसे ही आइडियाज आपके भीतर आना चाहिए। जब तक ऐसा आइडिया नहीं आएगा, जब तक पैसे की दुकान नहीं खोल पाएंगे। पैसे का दुकान खोल, फिर से कहेंगे, पैसे का दुकान खोलिए। डर ये सब भुला दीजिए, बुरी लत आलस खत्म। जिसके भीतर आलस बनाया, डर आ रहा है, तो फिर नहीं कर पाइएगा जिंदगी में। डर को हटा दीजिए। बिजनेस वही, बिजनेस कौन नहीं कर रहा है? बिजनेस कौन नहीं कर रहा? फिर से पूछ रहे, बिजनेस वही नहीं कर रहा जो डर रहा? फिर से, बिजनेस वही नहीं कर रहा जो डर रहा? इसको डर है, कोई भी फील्ड में नहीं कर रहा, चाहे खेलने की बात हो, कूदने की बात हो, या पढ़ने की बात हो, कोई भी काम करे तो उसमें वही आदमी नहीं करता जो डर रहा है। जिसके भीतर डर नहीं, खुल का बिंदास कर रहा है। हमें कोई डर नहीं था, हमने खुद का अपना स्टार्टअप खोला, मैंने खुद का स्कूल खोला, मैंने खुद का ट्यूशन स्टार्टअप किया, ताकि हमको उतना नॉलेज है कि हम कर सकते हैं। विश्वास है, बिलीव है, हमारा अपना पे विश्वास है, दूसरा पे विश्वास नहीं कि मेरे यहाँ बच्चा पढ़ेगा कि नहीं। बस हमको ये विश्वास है कि हम जो पढ़ा रहे हैं कोई और नहीं पढ़ा रहा, बस खत्म। जो हम पढ़ा रहे हैं कोई और नहीं पढ़ा रहा, बस दुनिया के कोई नहीं पढ़ा रहा, हम पढ़ा रहे हैं, यूनिक पढ़ा रहे हैं। बस हमको ट्रस्ट है, और ट्रस्ट होना चाहिए अपने भीतर। जब आपको अपने भीतर जब ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर दूसरा पे ट्रस्ट कैसे उत्पन्न करेंगे? ट्रस्ट हो ही नहीं सकता। तो पैसे का दुकान लगाइए, पैसे का दुकान लगाइए। दुकान लगाने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लगातार लाते रहेंगे। रिच डैड पुअर डैड फॉलो करते रहेंगे।